हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीताज किचन। आज मैं आपके साथ अपनी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, डाइट डिनर। डाइट डिनर मतलब कि पूरी थाली तैयार करके बताऊँगी कि डाइट में हमें क्या खाना चाहिए रात के टाइम। इसके लिए हमें जो सब्जी चाहिए, उसके पहले चाहिए हमें प्याज, एक प्याज मैंने चॉप करी है, धनिया और ये मटर, थोड़ी सी बीन्स, टमाटर। सबसे पहले हमें कुकर रख लेंगे, कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसके अंदर मैंने थोड़ा सा धनिया प्याज डाली है, एक जो चॉप करी थी प्याज, प्याज डाल देंगे। ऑयल थोड़ा गर्म करने के बाद प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ ही हम थोड़ा सा धनिया, जीरा और अजवाइन डाल देंगे। प्याज को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सोटी करेंगे, ज़्यादा बिल्कुल फ्राई नहीं करनी, ब्राउन वगैरह नहीं करनी, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें सोटी करनी है। प्याज मेरी सोटी हो रही है, देखिए। प्याज के साथ ही मैंने थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल दिया था। अब थोड़ी सी करके मैं 2 मिनट प्याज को पकाना है। 2 मिनट प्याज हो गए हैं, अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, टमाटर और हरी मिर्ची दोनों चीज़ डाल के इसको भी मैं सॉटी करूँगी। 2 मिनट इसको भी रखेंगे सॉटी। हमें इसमें प्याज वगैरह कुछ पकानी नहीं है कि बिल्कुल इसको क्रश करना है, बस ऐसे 2 मिनट सॉटी करना है। 2 मिनट सॉटी कर देंगे हम इसको, चलाते हुए देखते रहेंगे, बिल्कुल सही। बस अब हम इसमें डाल देंगे बीन्स और मटर। आप इसके साथ कोई और भाजी भी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली हो गई। ब्रोकली बहुत अच्छा होता है, डाइट में भी यूज़ करते हैं, खाते हैं, डाइट डिनर बनाते हैं उसमें भी। अब इसमें कोई मटर और बीन्स मैंने लिए, उसको सॉटी करेंगे, इसको भी 2 मिनट चलाते रहेंगे, इसे कंटिन्यूसली चलाएंगे क्योंकि इसमें ऑयल हमने बहुत ही कम डाला है। देखिए कैसे हो रहा है। बस अब इसमें हम मसाले डालेंगे, ऐसे ही करना है, बिल्कुल परफेक्ट है। बस अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें डालेंगे मिर्ची, क्योंकि हमने मिर्ची काट के डाली, हरी मिर्ची काटी है, इसलिए हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ही डालेंगे। डाइट का ज़्यादा मिर्ची मसाले नहीं खाएंगे, एक डाइट के हिसाब से बनाएंगे। अच्छी तरह से इनको चला लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा ही हम धनिया, हरा धनिया हमने काटा है, इसमें थोड़ा हरा धनिया हम इसी टाइम पर डालेंगे। आप हरा धनिया कभी भी इस टाइम पर डालते हो तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, टेस्ट भी बढ़ाती है। इसको भी हम सिर्फ 2 मिनट चला के अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे। बस अब इसको चलाते हुए सिर्फ हमें 2 मिनट और चलाना है, इसको ढक के पकाएंगे 2 मिनट के लिए। हम इस पर ढक्कन रख देंगे, 2 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो गए, देखिए हो गई हमारी सारी सब्जी सोटी हो गई है। अब मैंने इसमें लिया है दलिया, जी हाँ जी, हेल्थ है, डाइट का है, तो इसलिए मूंग की दाल और दलिया, आधी कटोरी मूंग दाल और आधी कटोरी दलिया लिया है। मैं इन दोनों को मिक्स करके इसको 15-20 मिनट पहले भिगो चुकी हूँ, अब इसका पानी निकाल के इसको इसमें डाल दूँगी। ये मेरा 1 कटोरी हो गया, आधी कटोरी दलिया और आधी कटोरी वो। अब इसको चला देंगे थोड़ा सा, इसको डाल के उसको अच्छी तरह मिला देंगे। अच्छी तरह मिलाएंगे, कितना अच्छा कलर आ रहा। अब हमने 1 कटोरी दलिया लिया था तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे जी, क्योंकि दाल गलेगी। 2 से 2.5 कटोरी के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें मूंग दाल है, मूंग दाल आपको पता ही है थोड़ा ज़्यादा पानी लेती है, इसलिए हमने सब कुछ डाल दिया। अब इसको हम सीटी लगाएंगे, चला के अच्छी तरह रख देंगे, अब हम इसमें सीटी लगाएंगे। मैंने इसमें 2.5 कटोरी जिस हिसाब से मैंने मेजरमेंट किया था अपना दलिए का, उसी हिसाब से मैंने इसमें वो डाली है।
अब इसकी फ्लेम तेज करके हम इसको 2 से 3 सीटियाँ का पकाने देंगे, क्योंकि मूंग दाल थोड़ा ज़्यादा टाइट गलती है। देखिए हमारी सीटियाँ आ गई हैं, इतने मेरी सीटियाँ आ रही, इतने में इसके साथ का जो सलाद है वो आपको साथ शेयर करती हूँ। डाइट है, रात को खाली हम सलाद वही खाएंगे। तो अधिकतर बच्चे होते हैं रोटी नहीं खाते रात को 8 बजे के बाद डिनर में, तो हेल्दी होता है ये डाइट के साथ, अपना डाइट फॉलो करते हैं। तो उसके लिए हम इस दलिया खाएंगे, दलिया बहुत ही हेल्दी और एकदम टेस्टी बनेगा। इसके साथ हम इसको लेंगे सलाद, ये मैं इसको सलाद के लिए इसमें बिल्कुल छोटा छोटा एक टमाटर डालूंगी, बिल्कुल बारीक काट के। एक मैंने इसमें प्याज लिया वाइट प्याज है, क्योंकि वाइट प्याज बहुत ही हेल्दी होती है और सलाद में अधिकतर वाइट प्याज खाना चाहिए। अगर आपका वाइट नहीं तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, नहीं खाते तो आप प्याज छोड़ सकते हैं, पर मैं इसमें वाइट प्याज डालूंगी, एक प्याज वाइट प्याज, क्योंकि ये भी हेल्दी होती है। बिल्कुल बारीक नहीं इसको काटेंगे, प्याज थोड़ा मोटा काटेंगे, ऐसे करके इसे काट देंगे। प्याज भी कट गया, अब मैं इसमें डालूंगी बीट रूट। एक मैंने गाजर लिया है, एक गाजर भी ऐसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके कर डाल देंगे। और अब मैं इसमें डालू प्याज, गाजर भी काट ली मैंने, प्याज काट ली, टमाटर काट लिया, अब इसमें काटूंगी एक बीट, ये बीट रूट, चुकंदर जिसे कहते हैं हम, चुकंदर काटेंगे। चुकंदर के भी हमने ऐसे एक चुकंदर 4 पीस करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है, ये देखिए ऐसे करके इसको काटा है। बस ऐसे ही अब हम खीरा काटेंगे, हमें सब चीज़ जो भी हमने डाल रहे हैं जिसका हम बना रहे हैं उसको सबको छोटे छोटे करके काटेंगे, बिल्कुल ऐसे काटना है हमें। बस सारा ऐसे ही हम काट लेंगे। अभी मेरा कट गया सारा सलाद, अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें मसाले, मिलाएंगे इसमें हमें थोड़ा सा, देखिए मेरी इसमें सीटी भी आ गई, अब मेरी 2-3 सीटियाँ आ गई, इसको मैंने बंद कर दिया, गैस को ऑफ कर दिया, पर इसको जब तक इसकी सीटी पूरी भी से इसकी निकलती नहीं है, जब तक हम इसको ऐसे रखेंगे, हम खोलेंगे नहीं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया है, दही को अच्छी तरह फैटा है मैंने, बिल्कुल स्मूथ करना है थोड़ा सा। अब मेरे दही फैट के इसके अंदर जो मैंने काटे हैं प्याज, बीट रूट, गाजर और चुकंदर, इसमें मैंने 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच आप दही डालेंगे, क्योंकि दही रात के टाइम खाने से डाइजेशन सही रहता है हमारे को। किसी जैसे रात को किसी को, इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे काली मिर्ची और थोड़ा सा खा डालेंगे काला नमक, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप अगर नमक ज़्यादा खाते हैं तो डाल सकते हैं, पर इसमें काला नमक ही डालिए। रात के टाइम दही यूज़ करें, दही आप कभी भी खाते हैं सर्दी गर्मी, तो उसके साथ काला नमक और काली मिर्च पाउडर डालते तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी, आपका गला नहीं पकड़ेगा। थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा जीरा पाउडर, सब चीज़ डाल के, और लास्ट में इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू, क्योंकि हमने दही डाली है, नींबू से थोड़ा टेस्ट बढ़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम नींबू डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बस। अब हम इस सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे। हाँ मैं आपको कह रही थी कि दही रात को खाने से हमें जलन नहीं होती, एसिडिटी नहीं बनती, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा दही का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक दलिया बना रहे हैं रात को डिनर में, हेल्दी है इसलिए, और डाइट है, डाइट में बच्चे रात को रोटी नहीं खाते इसलिए बनाते हैं। तो इसके साथ थोड़ा सा अलग सा टेस्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा हमने ये दलिया रायता, सॉरी थोड़ा सा सलाद बना दिया। हमारे यहाँ की देखिए कुकर की विसल भी निकल गई है, अब इसको चेक करके वाह बन गया हमारा दलिया, हेल्दी और टेस्टी दलिया। फ्रेंड्स इस तरह से अपना दलिया बना के खाइए, जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप ओट्स काटते हैं मार्केट का लाया हुआ, वो भी इतना हेल्दी नहीं होता जितना ये हेल्दी है, घर की चीज़ है, एकदम हेल्दी और सेफ्ट है, अपने हाथों से बनाया हुआ, ज़रूर का ट्राई कीजिए रेसिपी, खाइए। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला आप सब जानते हैं हर सब्जी में डालने से उसका टेस्ट बढ़ता है, और इसमें खा डालते हैं तो बिल्कुल जैसे आप लोगों को मैगी की आदत है ना, मैगी खाते हैं, तो इसमें अगर आप मैगी मसाला डालते हो आपको मैगी, बच्चे भी खा लेंगे मैगी की स्मेल के हिसाब से, कि मैगी का टेस्ट आता थोड़ा सा। इसमें मैगी मसाला डाला, बस ये खिचड़ी टाइप का दलिया बन जाता है, बिल्कुल वो बिल्कुल पतला वाला दलिया नहीं बनता, और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें आप वेजी अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, खाली दाल का भी बना सकते हो। अब हम देखिए सर्व पत्ते हैं,
ये देखिए मैंने दलिया बना लिया। अब मैंने सोचा दलिया और रायता है, सॉरी दलिया और सलाद है, साथ में पापड़ भी होना चाहिए, तो मैंने ये दो पापड़ और सेक लिए। थाली तैयार हो गए फ्रेंड्स, आपको मेरी थाली अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।